हल्द्वानी में बवाल कराने के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे हल्द्वानी लाने के बाद पूछताछ की जा रही है। बता दें आपको कि अब तक सपा नेता के भाई समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संवेदनशील इलाकों को चारों ओर से सैनिक बलों के साथ ही पुलिस ने घेर रखा है। बन भूलपुरा में मलिक के बगीचे में अवैध मदरसा व नमाज स्थल हटाने के दौरान बवाल, पथराव और आगजनी के मामले में उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बवाल कराने के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब्दुल मलिक को हल्द्वानी लाने के बाद पूछताछ चल रही है। शनिवार से अब तक पुलिस अलग अलग क्षेत्र में दबिश देकर 75 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में ले चुकी है। उपद्रव में पुलिस ने महिलाओं को भी नामजद किया है। पहले उपद्रवियों ने महिलाओं को ही ढाल बनाया था, उन्हें आगे कर नारे लगवाए गए। महिलाएं धरने पर बैठी और फिर जब पथराव शुरू हुआ तो इसमें उन महिलाओं की भी भूमिका रही जो नारे लगा रही थी, इसलिए पुलिस टीम इन्हें चिन्हित करने में लगी है। अब तक सपा नेता के भाई समेत 5 लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और संवेदनशील इलाकों को चारों ओर से अर्धसैनिक बलों के साथ ही पुलिस और पीएससी ने घेर रखा है। किसी भी स्थिति में मामला अब ना बिगड़े इसलिए सरकार ने केंद्र से 4 अतिरिक्त कंपनी अर्धसैनिक बल और मांगा है। इस बवाल में उपद्रवियों ने 100 से अधिक वाहनों और बनभूलपुरा थाने को फूंक दिया है। वैध और अवैध असलहों से गोलियां बरसाई गईं। प्रशासन ने शहर के दूसरे हिस्सों को कर्फ्यू में ढील दे दी है। इंटरनेट सेवाएं शनिवार रात से बहाल कर दी गई हैं। हालांकि हर गतिविधि पर प्रशासनिक अधिकारियों की नजर बनी हुई है। बनभूलपुरा में कर्फ्यू अभी भी जारी है।